तो अभी हम लोग आए हुए हैं क्वार्टर्स में, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपका टाइप टू क्वार्टर्स होता है। तो ये आपका जो है वो आपका सेकंड फ्लोर पे है, ठीक है, और यही आपका लास्ट फ्लोर है। इधर पूरा व्यू है, तो ये पूरा जो है वो आपका एंट्री गेट है। और इसी तरीके से सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के क्वार्टर्स रहते हैं, क्योंकि कारपेट एरिया वाइज डिसाइड होता है। अभी क्या रिसेंटली पेंट वगैरह हुआ है, तो ये यहाँ पे विंडो वगैरह पूरा ये देखिए पूरा एकदम। और जो हॉल है उसका जो आपका एरिया है वो सही एरिया है, मतलब इतना कोई छोटा भी नहीं है, क्योंकि टाइप टू के हिसाब से कारपेट एरिया ठीक ठाक आपको मिल जाता है। टाइप टू और टाइप थ्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक रूम का वो जो रहता है बाकी सबको सेम रहता है। तो ये हॉल के बाद ये सीधा ये आपका जो है वो इतना स्पेस जो होता है वो अपना फ्रिज वगैरह रखने के लिए मिल जाता है, काफ़ी वॉशिंग मशीन वगैरह चाहो तो रख सकते हो। बाकी ये पूरा जो है वो क्या नाम है बालकनी का पूरा स्पेस है, पीछे देख सकते हो आप। और इधर पूरे सारे क्वार्टर्स ही हैं सारे। फिर यहाँ से आप जाओगे तो ये हॉल है, ये हॉल है, ये जो है ये रूम का है। ये रूम देखिए पूरा, इधर अलमीरा वगैरह पूरा है। अभी रिसेंटली पेंट हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी मतलब गंदा वगैरह है। और ये पूरा ये एक अलमीरा रहती है, और ये आपका जो है मिलती क्योंकि क्वार्टर्स इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपको सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिले, ठीक है। इधर से रूम से आओगे तो ये पूरा जो है पूरा किचन का है। नीचे पूरा देखिए आपको स्पेस पूरा, ये पूरा किचन में यहाँ पे सामान वगैरह आप रख सकते हो पूरा। और नीचे पूरा अपना ये सिलेंडर वगैरह का पूरा स्पेस आपको मिलता है, सिंक वगैरह यहाँ पे है। अभी रिसेंटली सारी चीज़ें हुई है ना, तो अभी क्वार्टर से ने शिफ्ट किया है तो ऐसा पूरा है। फिर ये जो है ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ये हॉल ये रूम, इधर जो है बेसिन है ठीक है, और ये अपना जो है वो बाथरूम है, और ये जो है वो है। ये जो पूरा है ये पूरा है, और कारपेट एरिया ठीक ठाक होता है टाइप टू में। और ये हमारा जो है ये हमारा मेन गेट है, यहीं से हमारा जो है पूरा मतलब आपको वो भी फैसिलिटी दी गई लेकिन ये ख़राब हुआ है, ठीक है। ऐसा पूरा जो टाइप टू क्वार्टर है वो आपका रहता है। इधर से पूरा दिखाई देता है, ये जो आपको दिख रहा है ये पानी की टंकी है। यहाँ पे पानी का थोड़ा इशू रहता है, तो पानी स्टोरेज वगैरह का, क्योंकि वो आता है लगभग आता है 2 या 3 दिन में ऐसे ही आता है, ठीक है। यहाँ पे मेन जो है और दिया गया है, ये पूरा मेन ऐसा पूरा है हमारा टाइप टू का ही है। अभी रिसेंटली किसी ने शिफ्ट किया है, तो अभी हमारे कलीग को एक अलॉट हुआ है, तो इस वजह से मैंने